ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ अगर अपन बात करें कॉस एक्स कितना होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होता है साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंटिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है ना बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है सर, वो होता है माइनस कॉस एक्स। क्यों? क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंटिएशन होता है माइनस साइन एक्स, मतलब जो आपने डिफरेंटिएशन पढ़ा था उसका पूरा उल्टा क्या चलता है, इंटीग्रेशन, ठीक है ना बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा, टेन एक्स। और सर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स क्या होता है, वाओ सर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स होता है सेक, ठीक है बेटा। वैसे ही अगर मैं आगे बात करूं तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉट एक्स, बिल्कुल सही सर। और इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स क्या होता है सर, माइनस कॉसेक, मैंने बोला ये भी सही है। सर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स होता है ई की पावर एक्स। आगे सर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में कितना, एन प्लस वन। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। सर व्हाट नेक्स्ट, या और क्या क्या, तो अगर मैं बात करूं तो सर इंटीग्रेशन ऑफ अगर आप बात करना चाहें ए की पावर एक्स क्या होता है, वो होता है बेटा ए की पावर एक्स बाय लॉग ए, ए की पावर एक्स बाय लॉग ए। सर जैसे इंटीग्रेशन ऑफ वन ए एक्स होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए बी डी कुछ भी हो तो ये कॉन्स्टेंट है ना बेटा, ये सब कॉन्स्टेंट है, तो ये बाहर निकल के इंटीग्रेशन ऑफ वन ही होता है, तो वो ए एक्स बी एक्स डी एक्स ऐसे हो जाया करते हैं, ठीक है सर। ये बात भी मानी। सर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है, वो होता है बेटा टेन इनवर्स ऑफ एक्स, क्योंकि टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंटिएशन होता है। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन में अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर बेटा, वो होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। सर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन में अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर बेटा, वो होता है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। सर ये सब चीजें हम क्या कर रहे हैं बेटा, थोड़े से फॉर्मूले, तुमको थोड़े से फॉर्मुलों से अवगत करा रहा हूं, ताकि आने वाले वक्त में आपको कोई फॉर्मूला भारी ना पड़े, ठीक है बेटा। एक बात है और, अच्छे से अगर बच्चे समझना चाहें थोड़ा साथ में और थोड़ा सा अच्छे से, बहुत अच्छे से, तो सर इंटीग्रेशन ऑफ अगर अपन बात करें साइन एक्स कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कितना होगा, तो समझिएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस एक्स होता है हाँ, लेकिन जो इसका एक्स वाला पार्ट है इसका डिफरेंशिएशन होता है नीचे जाके, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसका मतलब माइनस कॉस एक्स अपॉन में कितना ए। तो मजा नहीं आया, एक बार और इंटीग्रेशन ऑफ अगर मैं किससे पूछूं कि कॉस बी एक्स कितना होगा, तो कॉस बी एक्स का तो कितना होगा साइन बी एक्स, भी कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन, पढ़ चुके हैं कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन, लेकिन अगर ये बी एक्स बचा हुआ है तो इसका डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स अपॉन में जाके होगा, है ना बेटा। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन का थोड़ा सा चेन रूल, तो ये हो जाएगा साइन बी एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है वन। सर का ये भी याद करना जरूरी है, इतना नहीं समझाना जरूरी था, क्योंकि अभी इसका पूरा फोटो भेजने वाला हूँ आपकी फॉर्मूला जोन क्रिएट करने के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स कितना होता है, लॉग सेक, लॉग सेक एक्स। सर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स कितना होता है, लॉग साइन एक्स। क्या बात है यार सर, तो क्या सर ये सब चीजें जानना आप लोगों के लिए जरूरी है? हाँ बेटा, ये सब चीज जानना आप लोगों के लिए जरूरी है, इवन आप लोगों के लिए तो जानना ये भी जरूरी है कि बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जिसके अंदर आपको बहुत बार ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, तो खैर वाले फॉर्मूले भी अपन लिखेंगे, पहले यहां तक लिख लो ताकि तुमको बेसिक्स तो और भी लिखवाई दो। तो बेटा और अच्छे फॉर्मूले याद हैं, देखिएगा जरा, जब भी इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो वो होगा वन बाय टू ए लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन में क्या होगा, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो वो होगा वन अपॉन में टू ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स। फिर अगर इंटीग्रेशन में अगर अपन बात करें, इंटीग्रेशन में वन अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा तो क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस
अंडर रूट ऑफ कितना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। इंटीग्रेशन ऑफ अगर वन अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो वो होगा लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अगर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर, यहां पे लिख देता हूं, वन अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, तो इसका आंसर होगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, सबके आगे प्लस सी आना है। और मेरे पास एक इंटी क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ वन से लेके टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव। सबसे पहले एक बात समझ लो, ये वन से लेके टू तो भूल जाओ, उसको बाद में लेंगे। ये है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस फाइव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन। बच्चे पहले यहां तक लिख लो, फिर मैं एक्स की पावर एन प्लस वन, अभी अपन ने एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन पढ़ा था, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में कितना, एन प्लस वन। हाँ यार सर बिल्कुल सही है, तो ये एक्स की पावर क्या है, टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर टू प्लस वन अपॉन में कितना, टू प्लस, आराम से टू, ये एक्स की पावर क्या है बेटा, वन, एक्स की पावर क्या है, वन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन में कितना, वन प्लस वन, सर फाइव। इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या, सर इंटीग्रेशन ऑफ वन अभी आपने पढ़ाया था वो होता है एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन आपने अभी पढ़ाया था वो क्या होता है एक्स, तो वो कितना हो गया अल्टीमेटली 5x। तो क्या सर फाइनल आंसर क्या है, बच्चों को अगर फाइनल आंसर समझना है, ये टू से टू तो कैंसिल, ये हो गया एक्स की पावर थ्री बाय थ्री प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 5x। ओ कहाँ से लेके बेटा, टू से लेके वन, टू से लेके कितना, वन। और अब इसमें क्या करते हैं, अब इसके आंसर निकालने के लिए पहले अपन एफ ऑफ टू निकालते हैं और फिर अपन एफ ऑफ वन निकालते हैं और दोनों को माइनस कर देते हैं। अभी सर ये क्या बात हुई, अगर बच्चे यहां तक पहुंच गए हों तो मैं बच्चों को बताऊं कि एफ ऑफ टू कैसे निकलेगा, टू का क्यूब बाय थ्री प्लस टू का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू टू। एफ ऑफ वन कैसे निकलेगा, एफ ऑफ वन निकलेगा वन का क्यूब बाय थ्री प्लस वन का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू वन। सर ये कितना हो गया, अगर बच्चे समझेंगे तो, एट बाय थ्री प्लस फोर और टेन फोर्टीन, और 42 ये हो गया 50/3 जितना मुझे लग रहा है। सर ये देखेंगे तो कितना निकलेगा, 1/3 प्लस 6, तो अगर इसको लेंगे तो ये होगा 19/3। एक आ गया 50/3, एक हो गया 19/3, और दोनों को माइनस कर देंगे तो फाइनल आंसर इसका आएगा, जितना मैं समझ पा रहा हूं वो आएगा 31/3। देखो बेटा डाउट बोल सकते, हाँ बेटा बोल हम आए क्या, इंटीग्रेशन ऑफ थ्री से टू से लेके फाइव स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस कितना, सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है ना बेटा। और मेरे पास लिमिट टू से लेके फाइव मान लो, या टू से लेके चलो यार अपन थोड़ा सा एंगल फॉर्म में चलते हैं, तो 0 से 45 करो, बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना, 0 से 45, ठीक है सर। सबसे पहले सर आप इसका इंटीग्रेशन का तरीका क्या देते हो, 0 से 45 को भूल जाओ, ये चल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कितना साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कितना वन बाय एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कितना सेक्स स्क्वायर एक्स। यहां तक तो किसी बच्चे को डाउट नहीं। सर अभी आपने सिखाया एक्स की पावर टू का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर टू प्लस वन अपॉन में टू प्लस वन, मैंने बोला हाँ। सर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स नहीं होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना सर। इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स कितना होता है, लॉग एक्स, हाँ सर। और इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स पर एक्स कितना होता है, टेन एक्स। सर क्या ये पूरा हमारा आंसर आ गया, हाँ बेटा ये तेरा पूरा फाइनल आंसर आ गया, बट चल क्या रहा है ये 0 से 45, क्या रहा है 0 से 45। तो सर इसको ऐसा करना पड़ेगा, देखो एक तरफ एफ ऑफ 45 निकालना पड़ेगा और एक तरफ देखो एफ ऑफ 0 निकालना पड़ेगा, मतलब इस पूरे में पहले 45 पुट करो, तो 45 मतलब 45, मैंने वाला 45 मतलब 45, इसका मतलब क्या, ये 45 की पावर अगर 3 है अपॉन में 3 माइनस cos 45 प्लस log 45, जितने जितने x है जहां जहां x है
वहां वहां क्या पुट कर रहा हूं बेटा 45, जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर रहा हूं बेटा 45। देखिएगा जरा, जहां जहां x वहां वहां क्या 40 माइनस कितना 10, ठीक है सर, माइनस ऑफ, माइनस ऑफ सर बहुत सारी चीजें अगर आप देखोगे तो सर क्या है वो, अगर इसमें आप जीरो पुट करोगे, अब इसमें जीरो पुट करो, जीरो की पावर 3 अपॉन में जीरो, माइनस कॉस जीरो प्लस लॉग जीरो माइनस टेन जीरो, ठीक है सर। ये होता है बेटा हमेशा, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, और हमेशा डेफिनेट इंटीग्रल का रूल है कि आप करते हो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस कितना एफ ऑफ ए, ठीक है सर। अब सर 45 की पावर 3 क्या होगा वो तो पता नहीं, जब होगा सो देखेंगे, तो इसको तो ऐसे लेते हैं 45 की पावर 3 माइनस, ये कितना हो जाएगा 1 बाय रूट 2 लॉग 45, पता नहीं लॉग 45 मतलब लॉग पाई बाय 4 लिखते हैं, टेन 45 कितना होता है 1, टेन 45 कितना होता है 1 माइनस, सर ये तो 0 ही है, कॉस 0 होता है 1 तो माइनस 1, लॉग 0 होता है 0, ये भी होता है 0, तो बस सर ऐसा कुछ आ गया कि ये माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1 ये से ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। सर इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आएगा 45 की पावर 3 बाय 3 माइनस 1 बाय रूट 2 प्लस लॉग बाय 4। क्या बात है सर, क्या ये इसका आंसर आएगा? हाँ बेटा ये इसका आंसर आ जाए, 1 प्लस साइन 2x 0 से लेके पाई बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x, तो अपने को इंटीग्रेशन पहले तो बच्चे समझे कि 0 से लेके 45 इसको लिख सकते हैं क्या 1 को, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो क्लास 10 से ही 1 होता है बेटा, ये जो पूरा अपन ने लिखा ये पूरा क्या है बेटा 1, ये पूरा क्या है बेटा अपने पास 1, अगर अपन इसके पूरे की बात करें ये चीज तो क्या हो गई 1 प्लस साइन 2x को क्या लिख दो 2 साइन एक्स, साइन 2x को क्या लिख दो 2 साइन एक्स कॉस एक्स। सर 0 से लेके 45 अगर अपन बात करेंगे ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो ये 0 से लेके 45 साइन एक्स प्लस कितना, हाँ यार सर ये बात भी सही है, आपने कुछ गलत तो बोला नहीं। अब बताएं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, सर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है साइन एक्स, 0 से 45। तो क्या सर यहाँ पे f ऑफ 45 करना पड़ेगा और यहाँ पे क्या f ऑफ 0 करना पड़ेगा? हाँ बेटा, अब सर f ऑफ 45 करेंगे तो इट इज समथिंग माइनस कॉस 45 प्लस साइन 45, जिथे जिथे x औथे औथे 45, माइनस ऑफ f ऑफ 0 करना पड़ता है तो माइनस कॉस 0 प्लस साइन 0, मैंने बोला हाँ है, तो बेटा ये क्या हो गया माइनस 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 माइनस cos 0 कितना होता है 1 और sin 0 कितना होता है 0, जैसे ये कैंसिल, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 1। क्या ये बात समझ में आ पाई क्या है? देखता हूं कितने बच्चे अच्छे से कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कैसा है, मेरे पास क्वेश्चन है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ अपॉन में अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 9 और चल रहा है 2 से लेके 8, 2 से लेके 7। तो सबसे पहले तो आपने क्या करा है, एक फॉर्मूला लगाने की कोशिश करी है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 9, मतलब इसका तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सर अभी तो आपने फॉर्मूला सिखाया, मैंने बोला हाँ यार फॉर्मूला तो मैंने अभी सिखाया तुमको ये पूरा। अब अगर अपन बात करें इसी के अंदर, सर इसमें इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा 2 से लेके कितना 7, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आंसर ही देखे तो लॉग ऑफ 2 से लेके 7 बोल जाओ लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 9, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 9 इसको अपन 4 से 7, ठीक है बेटा दिस होल अपॉन में 4 से 7। सर क्या करा, कुछ भी बड़ी चीज नहीं करी, सिर्फ फॉर्मूला लगाया है। तो सिर्फ फॉर्मूला मतलब log x plus under root of x square minus a square, मतलब x
प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। सर ऐसे में क्या हो जाएगा? सुन ना बेटा, ऐसे में कुछ ऐसा होगा, लॉग ऑफ 4 प्लस 4 स्क्वायर माइनस 9, पहले तूने एफ ऑफ 4 निकाला और उस तरफ करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी एफ ऑफ 7 निकाला, तो 7 प्लस 7 स्क्वायर माइनस 9, और उधर निकालना पड़ेगा एफ ऑफ 4 जो कि हो जाएगा लॉग 4 प्लस 4 स्क्वायर माइनस 9। क्या बात है सर? तो लॉग 7 प्लस 49 माइनस 9, 49 माइनस 9 इज 40, ठीक है ना, माइनस लॉग 4 प्लस 16 माइनस 9 इज रूट 7, ठीक है सर। जिन बच्चों को एक बात पता हो, अच्छी बात है कि हमेशा ध्यान रखना, ये फॉर्मूला होता है कि लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बाय बी। क्या सर ये फॉर्मूला हमारे यूज का है, बहुत काम का है, तो तुम्हारे लिए ये पूरा क्या हो गया लॉग ए, ये पूरा क्या हो गया लॉग बी। सर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, लॉग ए बाय बी मतलब लॉग 7 प्लस रूट 40 अपॉन में 4 प्लस रूट 7। क्या बात है सर? बेटा पूरे क्वेश्चन में स्टार्टिंग से लेके कोई बड़ी चीज नहीं लगी, सिर्फ ये फॉर्मूला लगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सर लेकिन फॉर्मूले तो अभी नए नए हैं, धीरे धीरे याद होंगे, मेरे को खुद को पता है बेटा, फॉर्मूले नए हैं धीरे धीरे याद होंगे, कोई लोड की बात नहीं। एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, तो सर आपने पहले क्या पुट करा, 7, 7 प्लस 7 स्क्वायर माइनस 9, 4 प्लस 4 स्क्वायर माइनस 9। बोलो यार बेटा।